अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिज टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स फाइनली बुलिश नोट पर दिखाई दे रहे हैं। 46,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर आज मार्केट के अंदर इंटैक्ट होता हुआ, कंसोलिडेट होता हुआ, सस्टेनेबिलिटी के साथ नजर आ रहा है। इट मींस के आफ्टर 2.8 ईयर्स बाद, यानी कि 2018 के अप्रैल में ये लेवल्स पर मार्केट ट्रेड कर रही थी और आज हमने काफी अरसे बाद, ये काफी रिकवरी के बाद और काफी माइलस्टोन अचीव करने के बाद ये लेवल दोबारा विटनेस किया है मार्केट के अंदर। इसके बीच में काफी चैलेंजेस मौजूद थे, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मौजूद थी, इसके साथ साथ कोरोना का चैलेंज आ गया था जो पूरी दुनिया ने विटनेस किया और आज फाइनली इन लेवल्स पर मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। इट मींस के मार्केट के अंदर अभी भी पोटेंशियल इतना ज्यादा मौजूद है कि फाइनली और लेवल्स भी मार्केट जो है वो अचीव करते हुए दिखाई देगी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाईलाइट्स लेकर चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 45,922.04 के लेवल पर। हायर साइड से मार्केट गई 46,314.15, लोअर वॉज 45,922.04, सेम एज द ओपनिंग। एंड फाइनली क्लोजर वेल अबव 46,000, यानी कि 46,091.96 के लेवल पर 169.92 के इजाफे के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 845.28 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में माइनर डिक्लाइन नजर आता है 7.61 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 26.86 बिलियन रुपीस और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रीप बीइंग इन रेड टेरिटरी के इलेक्टेड स्ट्रेस को लीड कर रहे हैं 0.28 के डिक्लाइन के साथ। 4.27 पे क्लोजर 110.62 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। पीआईबीटीएल सेकंड स्कोर पे 0.40 का इजाफा, 13.18 पे क्लोजर 79.63 मिलियन शेयर्स। एंड लास्टली पावर 0.81 का इजाफा देखा गया, 11.03 पे क्लोजर रहा, 45.13 का कारोबार रहा। ओवरऑल हम देख रहे हैं कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट भी सामने आ रहे हैं। कल जिन स्क्रिप्ट में तेजी देखी जा रही थी, बाइंग देखी जा रही थी, वहां सेलिंग प्रेशर भी देखा जा रहा है। इट मींस के डे ट्रेडर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं। ऐसा चार्म मार्केट के अंदर ओवरऑल इसकी ये ब्यूटी होती है जब डे ट्रेडर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं और वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट हुए हैं। फॉर नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो इनिशिएटिव है जो लोकल पाकिस्तानीज के लिए लिया गया है, यानी आफ्टर ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो रोशन डिजिटल अकाउंट एक एप्लीकेशन पेश की गई थी, उसके बाद आज यानी कि ओवरऑल कल इसका इनॉग्रेशन हुआ है। राफ्ट के नाम से ये एप्लीकेशन जो है वो अब इनॉग्रेट हुई है और लोकल पाकिस्तानी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे एक्चुअली ये है क्या, इसका क्या आउटकम आएगा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। मुल्क में फौरी डिजिटल अदायगी अब ख्वाब नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान मुल्क के पहले फौरी डिजिटल अदायगी के निजाम राष्ट्र की बुनियाद रख चुके हैं। हुकूमती काविशों से तैयार करदा नए निजाम के तहत हुकूमती अदायगियां जैसे कि तनख्वाह और पेंशन वगैरह भी लोगों को बिना इंतजार किए ही मौसूल हो जाया करेंगी। आवाम को पेंशन या तनख्वाहों के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए निजाम के तहत कैश पर इंहिसार खत्म होने के बायस करप्शन की लाइफलाइन भी खत्म हो जाएगी। इस ऐप का नाम रास रखने की एक वजह तो ये है कि बराह रास्त फौरी अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा और दूसरा पाकिस्तान के लिए यही दुरुस्त रास्ता यानी कि राह रास्त है। रास्त निजाम से मोबाइल के साथ बआसानी रकम ट्रांसफर हो सकेगी। कैश जो कि करप्शन की लाइफलाइन है, रास्त निजाम से करप्शन में कमी आएगी और सरमायाकारी में गैर जरूरी ताखीर और मुश्किलात का खात्मा होगा। सरमायाकारी को मजीद शफाफ बनाया जा सकेगा। रास्त निजाम से बैंकों और मालियाती इदारों को भी फायदा होगा। रास्त प्रोग्राम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ एक अहम कदम है जिसके जरिए हम कैश इकोनॉमी से 22 करोड़ आवाम को फायदा पहुँचा सकते हैं। हुकूमत एहसास प्रोग्राम के जरिए गुर्बत खत्म करने की कोशिश कर रही है, जबकि राष्ट्र प्रोग्राम भी इस मामले में मुआविन साबित होगा। राष्ट्र के निजाम से मुतारिफ करदा नया निजाम ये यकीनी बनाएगा कि दूर दराज रहने वाले हर पाकिस्तानी तक कैश के बजाय डिजिटल तरीके से रकम पहुंच जाए। गोया पाकिस्तान के हर शहरी का अपना बैंक अकाउंट होगा जो कि इसके मोबाइल से मुंसलिक होगा। नए निजाम के पहले मरहले में स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनी से शेयर होल्डर्स को मुनाफा फौरी मुंतकिल हो जाया करेगा। इससे कबल इस मकसद के लिए शेयर होल्डर्स को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। इसी तरह हुकूमत की पेंशन और तनख्वाहों वगैरह को राष्ट्र निजाम से मुंसलिक करके सारिफीन तक फौरी पहुंचाने का इंतजाम भी कर दिया जाएगा।
जी ओवरऑल हम देख रहे हैं राफ्ट जैसी एप्लीकेशन पाकिस्तान में ऐसा इनिशिएटिव फर्स्ट टाइम लिया गया है और इसका इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आने वाला है क्योंकि पल भर में मुल्क भर में स्लोगन इतना प्यारा है जिसपे पता चलता है कि वाकई पल भर में यानी विद इन अ सेकेंड हमारे काम जो है वो होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो बिल पेमेंट्स हों, चाहे वो पेंशन हों, चाहे वो सैलरीज हों। ये तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान सोमरू साहब, आप MD हैं KSB सिक्योरिटीज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अरसान, सबसे पहले ये बताइए ओवरऑल राफ्ट कितनी हेल्पफुल होगी क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट का जितना अच्छा रिस्पांस आ रहा है हम देख रहे हैं। विद इन 3 मंथ्स 70,000 प्लस अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं और बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रही है, उनको रिटर्न्स भी अच्छे मिले हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तानी कितना अच्छा इम्पैक्ट देंगे इसको? देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट से तो वो जो मेजर है वो है इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि बाहर मुल्क से ओवरसीज पाकिस्तानी बैठ के इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। जो राफ्ट है वो है एक पेमेंट सिस्टम और पेमेंट सिस्टम में फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तकरीबन 5,000 एम्प्लॉइज है, ठीक है। तो हर मंथ के एंड पे वो सैलरी डिस्पर्स होती है, प्रिपरेशन होती है, सबके घर में चेक्स जाते हैं या बैंक वाले मैनुअल एंट्रीज करते हैं, तो तकरीबन 10 से 12 दिन लग जाते हैं सैलरीज आने में काफी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब क्या होगा कि आपका मेरा काफी सारे एम्प्लॉयज का एक समझ लें कि कस्टमाइज हमारी ID बन जाएगी और समझ लें एक मोटरवे के थ्रू, जैसे एक गेटवे के थ्रू, ठीक है, वो सबकी जो ट्रांजेक्शन होंगी विद अ क्लिक ऑफ अ बटन, एक बटन दबाने से सबको फॉरन चली जाएगी और सबके पास हुआ उनके पैसे आ जाएंगे। तो ये सिर्फ समझने के सैलरीज के लिए नहीं होगा, लोग पेंशन के लिए इंतजार करते हैं 15-20 दिन जब तक वो पैसे आते नहीं है। आपको राइट तो वो पहली तारीख ऑफ द मंथ पे ये एक बड़ा प्रोसेस होता है कि ईद से पहले अगर 5 दिन पहले पेंशन देनी है तो उनके लिए लाइन लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसेंशियली देखें हर चीज तो पहली तारीख को ड्यू हो जाती है, जब आपकी सैलरी आपकी होती है फर्स्ट राइट आपका ड्यू हो जाता है, लेकिन जब तक वो अकाउंट सेटल्ड हो, मैनुअल एंट्रीज हो, सबके जो अकाउंट नंबर डलते हैं, वो फिर चेक डिस्पर्स होते हैं, इसको पूरे सिस्टम को समझ लें निगेट हो गया, ये इंस्टेंट आपकी पेमेंट चली जाएगी विद अ क्लिक ऑफ अ बटन, चाहे वो डिविडेंड्स के तौर पे हो, एक कंपनी फॉर इंस्टेंस OGDCL, उसके समय 10,000 रिटेल इन्वेस्टर है, अब वो सबको डिविडेंड पहले वाउचर्स फिजिकल जाते थे, अब उनके बैंक में आते हैं, लेकिन इसके बाद विद क्लिक ऑफ अ बटन वो उनके स्ट्रीम लाइन सबके बैंक डायरेक्ट उनके अकाउंट में चले जाएंगे, स्ट्रेट वे अकाउंट में आ जाएंगे। अच्छा अरसलान, इसे अभी तो ज्यादातर गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज करेंगी, तो बाद में आप समझते हैं कि ये इतनी ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटीज होंगी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसे यूज करें? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, फॉर इंस्टेंस कोई बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर है जिसके पास डेटा बेस है अपने कस्टमर्स का, 5,000-10,000 आगे जाके वो लाखों में हो जाएगा, तो उनको पेमेंट करनी होती है कि कहाँ से, समझ ले एक वेंडर होता है उसने चीज अपनी ऑनलाइन बेची है तो उसको पेमेंट रिसीव करनी होती है, तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जैसे ग्लोबली Alibaba है, Amazon है, वो फिर इंडिविजुअल्स को वो इंडिविजुअली अपने जगहों पे बैंक में नहीं उनके पैसे डालते, उनको विद क्लिक ऑफ अ बटन सबके अपनी IDs होंगी, उन सबको स्ट्रीम लाइन इंटरनेशनली हम PayPal यूज करते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर दैट्स ऑल्सो पेमेंट मैकेनिज्म, इसके थ्रू जो है आपको बड़ा जैसे ये स्लोगन की आपको जो की सेलेक्ट, इसमें कोई कोई क्वांटिटी ब्रैकेट होगा या कोई हम इतनी लिमिट होगी कि इतने पैसे भेज सकते हैं, इससे ज्यादा किसकी लिमिट नहीं अभी होगा? जी आई पर्सनली बड़ी खबर हो, राय या तज़िए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ BTV न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजिटल अकाउंट से, तो राफ्ट से क्या ऐसी कोई हमें कोई हम बोलेंगे कि वे मिलेगा जिससे हम इक्विटीज के अंदर इंटर हो सके या म्यूचुअल फंड्स के अंदर? जी वो तो इस वक्त बैंकिंग चैनल्स ऑलरेडी इंटैक्ट है तो इससे कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राफ्ट से एक चीज हो सकती है कि आपको स्कूल पेमेंट करनी हो, कॉलेजेस की फीस करनी हो, तो आपको अपने बैंक अकाउंट से जाके इनको IBFT या फंड ट्रांसफर नहीं करना होगा, विद अ क्लिक ऑफ अ बटन एंड इवन QR कोड आपके हम जो है अपने सारे बिल्स पे कर सकते हैं विदाउट इवन गोइंग थ्रू अवर बैंकिंग प्लेटफॉर्म,
तो हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, इट्स लाइक एन एसेंशियल आपका बैंक अकाउंट है। इसके फवायद कुछ ऐसे होंगे कि पूरा प्रोसेस जब डिजिटल हो जाता है तो समझ लो कैश लेस हो जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी होता था, ठीक है, तो वो भी आपको समझ लें कि विड्रॉ करने होते थे एटीएम के थ्रू। एग्जैक्टली नाउ अब एहसास प्रोग्राम के जाएंगे वो भी इससे एग्जैक्टली वो जो सारे मंथली बेनिफिशियरीज हैं जिनको अरबों रुपए मिलते हैं वो समझ लें क्लिक ऑफ अ बटन उनके पास आ जाएंगे। दिस इज देयर वेल्थ विच इज देन सिक्योरिटी इनेबल्ड होती है। वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट रास्पबेरी मार्केट के ऊपर आऊंगी। करप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कितना ज्यादा सिक्योर होगा, यानी कि अगर बैंक में देखा जाता है, और ये अगर हमारी जो अकाउंट ओपन होंगे तो इसमें क्या क्या हमारी जो है वो हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए होगी? देखिए इन्फॉर्मेशन आई थिंक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आपके CNIC हो गया, आपके रेजिडेंशियल एड्रेसेस हो गए, आपके यूजर हिस्ट्री होगी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अकाउंट्स वी आर यूजिंग, ये भी कुछ होगा। प्रॉबेबली आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। लेकिन आपने करप्शन की बात की, उसमें से मैंने मिडिल मैन कट गए कि पहले जो ट्रांसफर होते थे वो चेन्स अपॉन चेन्स के होके आते थे, अब गवर्नमेंट को अगर डिस्पर्स कुछ करना वो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर के पास चला जाएगा विदाउट एनी मिडिल मैन, तो बीच में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि पैसे दें तो फिर आपकी सैलरी रिलीज हो, पैसे दें तो फिर आपकी पेंशन रिलीज हो, पैसे दें तो फिर आपके जो है वो ग्रेच्युटी वगैरह रिलीज हो, तो इससे पहले एंड टू एंड पूरी ट्रांजेक्शन। एग्जैक्टली, और ये एक वाकई आसानी है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो वाकई परेशान होते थे कि उनको पेमेंट्स लेने में या देने में काफी देर होती थी। अरसलान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। अरसलान, ओवरऑल मार्केट में सिनेरियो बहुत अच्छा देखा जा रहा है, 46,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर फाइनली हम जो है वो अचीव कर पाए हैं आफ्टर 2.8 ईयर्स, कैसा देख रहे हैं? जी मुझे लगता है दिस इज अ बिगिनिंग एंड आई थिंक द रैली विल कंटिन्यू फॉरवर्ड इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। देयर आर फ्यू रीजंस व्हाई। नंबर वन, आई थिंक इन मोस्ट प्रोबेबली आपकी फरवरी के अंदर FATF की मीटिंग वंस अगेन है, एंड इस वक्त द चांसेस 51% हम बोलेंगे हम व्हाइट लिस्ट हो सकते। दफ्तर खारिजा इस्लामाबाद में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान सह फरीकी इजलास हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज़रबाईजान के वजीर खारजा दफ्तर खारजा पहुंच गए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुअज्जज मेहमान का इस्तकबाल कर रहे हैं। नाज़रीन लाइव मुनाज़िर अब अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि आज़रबाईजान के वजीर खारजा जेहून बायरामोव अपने वफ़द के साथ इस वक्त दफ्तर खारजा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुअज्जज मेहमान का इस्तकबाल किया है। लाइव मुनाज़िर आप अपनी स्क्रीन्स पर मुलाहिजा कर रहे हैं। नाज़रीन आपको बताते चले कि पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा का दूरूसा इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है। इस इजलास की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वक्त की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो है वो आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा जेहून बायरामोव अपने वफ़द के साथ जो है वो दफ्तर ख़ारिजा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने किया है। ये लाइव मुनाज़िर हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। नाजी ने कुछ देर पहले के मनाजे आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, जहां पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। नाजी ने थी PTV ताजा तरीन। कर सकते फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, बट दिस ट्रेंड सीम्स टू बी कंटिन्यू बिकॉज जो न्यूज फ्लो आ रहा है, इकोनॉमिक डेटा पॉइंट आ रही है, दोज आर कंस्ट्रक्टिंग अ वेरी पॉजिटिव पिक्चर। अच्छा, असद उमर साहब की एक ट्वीट आई थी LSM के हवाले से, प्लीज तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या गुड न्यूज है एक्चुअली, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितनी ज्यादा फ्लरिश कर रही है पाकिस्तान के अंदर? देखिए बिजनेसेस जो होते हैं कई किस्म के होते हैं, एक होते सर्विसेज, ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, आपके स्कूलिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, दूसरे हो गए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे दुकान होते हैं, रिटेल होता है, एक होता है लार्ज स्केल, मतलब जो बड़े पैमाने पे फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगी होती है। असल में जो लोगों को एम्प्लॉय करती है तो सबसे ज्यादा आपकी ये इंडस्ट्रीज करती है पाकिस्तान के अंदर, जो काफी बंद थे काफी अर्से तक, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की वजह से हो, चाहे वो एक्सचेंज रेट वॉलिटिलिटी की वजह से। इस वक्त पिछले 6 महीने से चीजें काफी कंट्रोल में नजर आ रही है, और ये जो नंबर है इसको परसेंटेज ग्रोथ में देखें तो 14% की ग्रोथ नजर आई है। मेरे ख्याल से ये नंबर थोड़ा वन ऑफ है, लेकिन सस्टेनेबल ट्रेंड भी हम देखें तो इस फिस्कल ईयर में 8 से 10% की LSM ग्रोथ
पूरा फिनिश कर सकते हैं जो जीडीपी ग्रोथ को ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि फैक्ट्रियां ज्यादा चल रही हैं, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, उनकी कैपेसिटीज इंक्रीज हो रही है। एग्जैक्टली, और ये कहा जाता था कि पहले वक्तों में कि इंडस्ट्रीज लगना आज के दौर में बहुत मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे 2020 एंड हुआ है और 2021 स्टार्ट हुआ है, मैं फिस्कल ईयर की बात नहीं कर रही, रेगुलर ईयर की बात कर रही हूं, तो कितना पॉजिटिव हुआ है, कितनी इंडस्ट्रीज अब ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अब और मजीद इंडस्ट्रीज लगने वाली हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं एक डेटा पॉइंट बताता चलूं, स्टेट बैंक ने टर्फ फाइनेंसिंग TERF जो कोविड के बाद दी थी उसमें तकरीबन 600 बिलियन से ज्यादा की तकरीबन रिक्वेस्ट आ चुकी है एंड 290 बिलियन जो है अप्रूव हो चुके हैं। अब ये 290 बिलियन 290 अरब रुपए की मशीनरी लगेगी पाकिस्तान के अंदर, ये तकरीबन आपका हो जाते हैं $1.7 बिलियन की मशीनरी लगेगी, और ये जाहिर सी बात है कुछ न कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे ठीक है या सर्विसेज उसमें एक्सपोर्ट होंगी, और ये जॉब क्रिएट की तरफ जाना चाहिए। अब देखिए पूरे पाकिस्तान हम लोग 20-21 करोड़ की जो आवाम है उसको आपको नौकरियां देनी है तो आपको लार्ज स्केल जॉब क्रिएट करनी पड़ेंगी, और ये LSM डेटा जो है समझ लें आपकी बिगिनिंग दिखाता है कि आगे जाके किस तरीके से अनरावल होंगी चीजें, और दिस इज अ गुड बिगिनिंग, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लो बेस, लेकिन इस ट्रेंड को हमें कंटिन्यू करना है 2-3 ईयर्स, और इंडस्ट्रीज काफी ऑप्टिमिस्टिक है बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट एंड सपोर्टिव पॉलिसी। एग्जैक्टली, और अगर आपने सोशल मीडिया ज्यादा यूज किया होगा तो देखा होगा कि आजकल एक मैसेज है वो ज्यादा देखा जा रहा है, वीडियो मैसेज, जिसमें काफी हद तक कुछ शर्ट्स हैं, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर हैं और अच्छी कंपनीज अच्छे ब्रांड्स की हैं, तो वो दिखाई दे रही है, तो जब उनको हम देखते हैं तो एक अच्छा एक मोटिवेशन पैदा होती है कि पाकिस्तान के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और अब हमें दूसरे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, वी आर द मैन्युफैक्चरर, ये तो है ना, आपने देखा है ये वाला? जी एब्सोल्युटली यू राइट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वी हैव सफिशिएंटली गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज की वजह से हम लोग जो है समझ लें अपने पोटेंशियल से नीचे थे। मैं आपको 3 एग्जांपल देता चलूंगा, एक तो हमारी गैस और बिजली महंगी थी जो गवर्नमेंट ने आके पॉलिसीज उनको रीजनली कंपेरेटिव कर दिया एक, दूसरा जो बिजनेसमैन थे उनके पैसे जो थे FPR के पास फंस जाते थे, वो रिफंड पर खड़े हो जाते थे। एग्जैक्टली, ठीक है। तीसरा इशू जो ये था कि गैस की अवेलेबिलिटी वाज एन इशू जो आज भी इशू है, लेकिन RLNG टर्मिनल्स लग रहे हैं, RLNG से मतलब गैस ही होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है जो लोग हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, लेकिन किसी हद तक वो सारी चीजों को, वो सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। हम कहते हैं ना लूप होल कहाँ है, तो लूप होल को की गई है, एक्शंस भी लिए गए हैं और रिजल्ट्स भी नजर आने लगे हैं। इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए हमें जो पॉलिसीज को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। राइट, अच्छा बैंक्स के हवाले से मूडीज ने कोई रेटिंग्स जारी की है या कोई उन्होंने एक्चुअली कोई ट्वीट की है, ये प्लीज जरा बताइए व्यूअर्स को कि एक्चुअली बैंक्स के बारे में क्या न्यूज है। लेकिन बैंक्स को बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं आपकी इकोनॉमी के लिए, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ये गवर्नमेंट को भी चलाता है, आवाम को भी चलाता है। अब बैंक सिस्टम का हेल्दी होना बड़ा जरूरी है, फॉर इंस्टेंस हेल्दी होना मतलब बैंक्स के पास इतने अपने पैसे होने चाहिए कि खुदा न खासा बैंक बंद ना हो जाए। इसे हम कहते हैं क्रेडिट रिस्कीनेस ऑफ द बैंक। क्रेडिट मतलब ये पैसे जो उन्होंने लिए हैं, आवाम के पैसे पड़े हुए हैं, वो ये वापस कर भी सकेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूं, जब कोविड आया था तो स्टेट बैंक ने 2 क्वार्टर्स मतलब 6 महीने के लिए इनको कह दिया कि आप डिविडेंड्स नहीं देंगे शेयर होल्डर को, ये पैसा आप अपने पास रखेंगे। इसको कहते हैं कैपिटलाइज सॉलिड फंड। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि बैंक के पास अपना पैसे पड़े होने चाहिए, खुदा न खासा इमरजेंसी में अगर कोई पैसे लेने आते हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए, शेयर होल्डर को ना आते। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही कैपिटल एडिक्वेट रेशियोज होते हैं, समझ लें कि बैंक की हेल्थ कितनी अच्छी है, हम लोग रीजनली सबसे अच्छे में से हैं। वी आर अमंग द बेस्ट ओवर देयर इन टर्म्स ऑफ अवर लोन्स, इन टर्म्स ऑफ अवर कैपिटल। तो ये इस वजह से मोदी ने समझ सर्टिफाई कर दिया कि डिस्पाइट कोविड हमारे बैंकिंग सिस्टम जो है बिल्कुल इंटैक्ट है और टू अ लार्जर एक्सटेंट सस्टेनेबल है। अनदर गुड न्यूज, इट मींस कि बैंकिंग सेक्टर इससे फ्लरिश करेगा। चले यहाँ पर मैं आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक के जाने चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। फौरी खबर हो, राय या तज़िए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ। BTV न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगही के पैगाम की फौरी रसानी के लिए पेश। BTV न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। BTV न्यूज, दरोस्त हर वक्त बार बार।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ वेलकम बैक नाजरीन। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की जो रेटिंग है, आउटलुक है, वो स्टेबल करार दिया है मूडीज ने। इट मींस कि एक और गुड न्यूज मार्केट के अंदर मौजूद है। अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। अरसलान, अगर ऐसी गुड न्यूज आती रही जिसका इम्पैक्ट डेली बेसिस पे मार्केट के अंदर आता रहा, तो ओवरऑल अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो कहां देख रहे हैं ये इंडस्ट्री जाते हुए? देखिए, हमारे यहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल बिजनेसेस है इन द लॉन्ग टर्म। अगले 10 साल के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो आपकी बैंकिंग नीड्स होती हैं। बैंकिंग नीड्स मिसाल है बिजनेसेस हैं, उनको लोन लेने होते हैं तो वो बैंक ही उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रांसलेट करते हैं बैंक, इनको हम कहते हैं लेवरेज करते हैं ये, ठीक है, ये एक्सेलरेट कराते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो बैंक्स तो वैसे ही हमारे पास सस्टेनेबल है नंबर वन, और स्टॉक्स में इनकी जो वैल्यूएशन है वो भी बिल्कुल सस्ती चल रही है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल दूं, 2007-08 के क्रैश में जो वैल्यूएशन थी आज भी वही वैल्यूएशन है जो कोविड के बाद है। तो इसको हम नजर में रखते हुए 2-3 साल तक आउटलुक बैंकिंग का अच्छा ही है, और जब ये लोन्स पिकअप करेंगे, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, तब हम देखेंगे बैंकिंग सेक्टर जो है ज्यादा अग्रेसिवली फ्लरिश भी करेगा, और वो हायरिंग भी करेगा और वो लोन्स भी देंगे। चलें, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ ओवरकॉल शहजाद चामड़िया साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर PSX, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए, मार्केट सेंटिमेंट्स काफी हद तक कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेवल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं आफ्टर लॉट ऑफ ईयर्स, 2.8 ईयर्स, क्या कहेंगे? जी, दिस इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक टर्न अराउंड पोस्ट कोविड। जो है आपको पता है, इंटरेस्ट रेट्स के कम करने के बाद जो है इकॉनमी जो है वो कंप्लीटली टर्न अराउंड हुई है, और मेरा ख्याल है अभी एक्सपोर्ट्स भी
5% ऊपर हैं, इम्पोर्ट्स भी स्लाइटली अप हैं 6%, तो वो ऑफसेट हो जाता है। रेमिटेंसेज ऊपर हैं, इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल हैं, करंट अकाउंट सरप्लस है, ट्रेड डेफिसिट जो है, ट्रेड गैप जो है वो मैनेजेबल है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो फिस्कल ईयर है जून 30 पे जो खत्म होगा वो तो बहुत ही मैनेजेबल है, उसमें कोई नेगेटिव ट्रिगर है नहीं, पॉजिटिव ज्यादा है। फिर वो कंस्ट्रक्शन पैकेज जो आया था उसकी वजह से एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उससे और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपने खबरें देखी होंगी पिछले दो दिन में, वो भी 15% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो मेरा ख्याल है कि ग्रोथ नजर आ रही है। देयर आर बंडल्स ऑफ गुड न्यूज सर, अब क्या दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर? इसके साथ साथ इनॉग्रेट हुआ है कल रास्ट एप्लीकेशन, वो कितना ज्यादा पॉजिटिव साबित होगा? देखिए मैं मार्केट का जो अगर आपको व्यू लेना है तो वो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहें तो वो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज्यादा प्लंज लिया था और वहां से मार्केट रिवाइव हुई है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ नजर आ रही है इन ऑल द मेजर सेक्टर्स। तो मार्केट ने एक तो कैचअप करना था बिकॉज बहुत ज्यादा प्लंज था, और दूसरा ये कि अर्निंग्स उसको ज्यादा सपोर्ट कर रही है। पहले मार्केट सिर्फ वैल्यूएशन बेसिस पे चल रही थी, अब वो अर्निंग्स बेसिस पे भी चल रही है एसेट वैल्यूएशन के अलावा। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट अपसाइड ही नजर आ रही है मुझे अगले साल भी, और अगर कोई इकोनॉमी में कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो ये आपको स्लो डाउन मार्केट में नजर नहीं आएगा, ये ग्रेजुअली ऊपर की तरफ ही जाएगी। सर इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे, स्मॉल इन्वेस्टर खासकर जो कि इस मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, अब लेवल्स भी मार्केट के स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो अपनी एंट्री ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो कौन से सेक्टर आप जो है वो उनको एडवाइस करेंगे? देखिए मैं आपसे पहले भी इस सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ कि उसको स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट तो यही होता है कि उनके जो रिस्पेक्टिव ब्रोकर्स हैं वो तो वो एडवाइस करेंगे और अगर वो खुद नॉलेजेबल हैं तो फिर वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अदरवाइज दे कैन गो थ्रू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के थ्रू जाएं वो, और मार्केट चूंकि इस वक्त जिन जिन लेवल्स पे है उसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करना, उसको एनालाइज करना, और 6 महीने से 3 साल का अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं तो फिर आप एंट्री दें। सेक्टर्स सारे ही मेरा ख्याल है कि स्टेबल हैं इस वक्त, और जो आपको आगे की जो ग्रोथ है इकॉनमी की वो भी पॉजिटिव नजर आ रही है, तो देयर इज नो हार्म इन बेटिंग ऑन गुड सेक्टर्स। सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, बैंक्स सारे ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है मतलब आप स्पेसिफिक राय नहीं देंगे, आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही जो है एक्चुअली कमेंट ऑन इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स। थैंक यू सो मच आजाद चांगे साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस, ओवरऑल हमने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में काफी चीजें पूछने की कोशिश की, और ओवरऑल यही दिखाई दे रहा है कि जितने इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेशन दे रहे हैं काफी हद तक स्ट्रांग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल हम देख रहे हैं रेमिटेंसेस की बात करें, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स की बात करें, और ओवरऑल इम्पोर्ट्स को कटेल करना हो, करंट अकाउंट हो, ये तमाम चीजें पॉजिटिव नोट पर दिखाई दे रही है। अरसलान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। अरसलान, शहजाद चांगे साहब ने तो एडवाइस नहीं करी, आप क्या एडवाइस करेंगे ओवरऑल इन्वेस्टर्स को कि वो कौन से सेक्टर्स में एंट्री ले सकते हैं, और एट द सेम टाइम ये मार्केट के लेवल्स हैं कि इसमें एंटर हुआ जाए? जी आई थिंक मार्केट के बिल्कुल ये लेवल्स हैं जहां एंटर हुआ जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं जो पहली मर्तबा या समझ लें कि बुरे एक्सपीरियंस के बाद फिर से स्टॉक मार्केट की तरफ आना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि अपने रिस्क को मैनेज करें। अब रिस्क को मैनेज करना ये होता है कि आप अपनी डाउनसाइड को मैनेज करें, कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए के ही इन्वेस्टमेंट करें, 100 रुपए रख के 400 रुपए की इन्वेस्टमेंट ना करें, लेवरेज ना करें, अवॉइड करें, नंबर वन। नंबर टू, आप डाइवर्सिफाई करें 4 से 5 मिनिमम स्टॉक्स में और 3 से 4 सेक्टर्स के अंदर। मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म अच्छे सेक्टर्स हैं जहां पे स्टोरी है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक्ड है वहां पे एक्सपोजर लिया जा सकता है। नंबर वन वी वर डिस्कसिंग बैंकिंग सेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट, नंबर वन। नंबर टू, कंस्ट्रक्शन पे इस वक्त बूम नजर आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन की कोई प्रॉक्सी लेना चाहे बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसको सपोर्ट कर रही है। तीसरा, गवर्नमेंट पॉलिसी इस वक्त है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर लेकिन एक्सपोर्ट उसको गाइड करे ताकि डॉलर्स की शॉर्टेज ना हो जाए, तो उसके हिसाब से आपके टेक्सटाइल्स अच्छे हो जाते हैं,
ठीक है, लास्टली आई कैन ऑल्सो से कि जिस इन्वेस्टर को समझ लें 3 से 5 साल का व्यू देना है तो वो फूड या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी दिखा जा सकता है उनको अगर एक्सपोजर चाहिए। बट नंदलेस देखिए स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी होती है, एक इंडिविजुअल स्टॉक नहीं रखना चाहिए, इट्स बेटर टू मैनेज योर रिस्क बिकॉज इस वक्त अगर यही पैसे आपके बैंक में पड़े होंगे तो आपको 8 या 10% मिलेगा रिटर्न फिक्स्ड। इससे अच्छा है कि इंसान जो है अपना पोर्टफोलियो बना के मतलब 4-6 स्टॉक्स लेके सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे जो हमें लगता है कि बैंक्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटोस, टेक्सटाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल लुक गुड। ओवरऑल काफी सारे इन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं और इन्वेस्टर्स और खासकर स्मॉल इन्वेस्टर्स चाहें तो इनको प्रॉपरली जो है वो गाइडलाइन के तौर पर ले सकते हैं और काफी हद तक जो है वो चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। एक सेक्टर आपने मिस कर दिया है, मैं उसके बारे में पूछना चाहूंगी, और मेरे प्रोड्यूसर साहब का भी फेवरेट सेक्टर है आईटी, तो प्लीज आप उनके बारे में बताइए। जी आईटी सेक्टर जो है लॉन्ग टर्म हम देखें तो बिल्कुल उसमें पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म मैं बात कर रहा हूँ 5 से 10 साल की, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में वेजेस सस्ती है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये स्लो एंड ग्रेजुअली जो है ये आपका जो सिस्टम है वो अच्छा चलता रहता है। बट अगर हम लोग मतलब आईटी की बात करें एग्जैक्टली, क्योंकि कोविड के अंदर तो 100% ग्रोथ नजर आई है। मैं आपको यही एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं पिछले साल से इस साल उनकी वैल्यूएशन 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है, तो आईटी सेक्टर जो है इस मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर काफी मच्योर वैल्यूएशन पे आ गया। मच्योर का मतलब यहाँ से मतलब अपसाइड आपको हम कहते हैं कि 15 से 20% है लॉन्ग टर्म में, लेकिन यहाँ पे करेक्शन भी आ सकती है, तो इसको भी जरा थोड़ा सा फोकस जो है इंसान जो है वो अपने सब कहते हैं ना ऑल एग्स एक बास्केट में नहीं, सारे अंडे एक बास्केट में नहीं चाहिए, इस वक्त हमें लगता है कि और सेक्टर जो है वहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है बनस्पत आईटी सेक्टर की। ओके, और सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जाए, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट जो है सब जगह पे की जाए तो ज्यादा बेहतर। ओके, ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है, डॉलर वीकेंड होता हुआ दिखाई देता है, एट द सेम टाइम यहाँ पे रुपी पॉज होता हुआ दिखाई दे रहा है, 160 के अराउंड हम जो है वो एक फंस गए, आगे नहीं बढ़ रहे। जी मेरे ख्याल से तो अच्छी बात है, हम लोग 160 पे जो है स्टेबल है, अप्रिशिएट होने की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है ये अप्रिशिएट होना चाहिए इतने जल्दी, क्योंकि अगर अप्रिशिएट हो गया तो फिर डेप्रिसिएशन में फिर जो है आपके टू वे ट्रेजेक्ट्री, लोगों का कॉन्फिडेंस हिट हो जाएगा। यूएस डॉलर इंटरनेशनली डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट यूरो, जापानीज येन, चाइनीज यॉन ऑल्सो। अच्छा, दुनिया के अंदर इस वक्त समझ लें कंपेटिटिव डिवैल्यूएशन होती है कि हर मुल्क जो अपनी करेंसी कम करने के चक्कर में है ताकि उनके ट्रेड में बेनिफिट हो। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी यूएस में जो नई इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आएगी बाइडेन साहब की, तो उनका पहला टारगेट ये है कि मुल्क के अंदर एक स्टिमुलस दें, फिस्कल स्टिमुलस दें, मतलब एक समझ पैकेज दें बड़े तरीके से। जब वो पैकेज देंगे डॉलर ज्यादा वो प्रिंट करेंगे तो डॉलर की इंटरनेशनली वैल्यू कम हो जाएगी। पाकिस्तान की रूपी जो है हम लोगों ने डॉलर के साथ समझ लें नियर पैक कर दिया, फिक्स कर दिया 160 पे, क्योंकि अगर इंटरनेशनली डॉलर कम होता है तो वैसे डॉलर को डिप्रिशिएट करना चाहिए, रूपी को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हमारी करेंसी जो है उसको स्टेबल रखा जाता है ताकि ये चीज हमारी ट्रेडिंग के लिए आसान हो, क्योंकि हमारे गुड्स जो है वो कंपेरेटिव होंगे, हमारे एक्सपोर्टर्स जो अपने आपको डॉलर में प्राइसिंग करते हैं, तो जो यूरोपियन है, जापानीज है, इंडियन करेंसी है, चाइनीज है, उनके अगेंस्ट हम सस्ते होते जाएंगे। तो हमारा ये आउटलुक है अगले 6 महीने तक, 3 से 6 महीने तक, कि करेंसी यहाँ पे स्टेबल ही रहेगी, करेंसी स्टेबल रहेगी, और आपने इसके बेनिफिट्स बताए हैं ओवरऑल। अब अरसलान, ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है, गोल्ड भी फ्लक्चुएट कर रहा है, हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ रही, ऐसा क्यों है, क्योंकि ओवरऑल कंजम्पशन तो ऑयल प्राइस की देखा जाए तो ओवरऑल दिखाई दे रही है इंटरनेशनली भी और लोकली भी, अब वर्ल्ड जो है वो थोड़ा सा ओपन हो गया है, ऐसा तो नहीं कि प्रॉपरली लॉकडाउन नजर आ रहे हैं, तो अब वहां पे क्यों गोल्ड फ्लक्चुएट कर रहा है? नहीं, एक तो फेजेस के अंदर कमोडिटीज चलती है, पहले का फेज ये था कि सब कुछ बंद थे, वैक्सीन का कोई आसरा नहीं था, हालात बिल्कुल बुरे लग रहे थे, जीडीपी ग्रोथ 30-30% डिक्लाइन हो रही थी, तो गोल्ड वन वे ट्रेजेक्टरी में था, ठीक है। उसके बाद जो है इकोनॉमी सेकंड वेव में खुलना शुरू हो गई है आपकी, ठीक है, और इकोनॉमीज के अंदर वैक्सीन भी आ गई हैं, वहां पे वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, तो लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस बढ़ रहा है। तीसरा फेज जो अभी है वो ये है कि इस फर्स्ट 6 मंथ्स में हर मुल्क जो है, यूएस है, यूरोप है, जापान है, इंडिया है, चाइना है, वो फिस्कल स्टिमुलस देंगे, तो जब गोल्ड तब बढ़ता है जब हालात खराब होते हैं, लेकिन जब इनिशियली स्टिमुलस मिलेगा ना तो मार्केट उसको खुशी से वेलकम करेंगे, तो वो गोल्ड को प्रेफर नहीं करेंगे, वो स्टॉक्स को प्रेफर करेंगे, लेकिन स्टिमुलस देने के बाद रियलाइजेशन आएगी कि हालात वाकई खराब है और ग्रोथ नहीं आ रही,
तब जाके गोल्ड के अंदर ज्यादा हम लोग रैली देखेंगे। फिलहाल तो है वो लगता है कि रेंज के अंदर ही रहेगा, फिलहाल रेंज के अंदर ही रहेगा। तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गोल्ड को देख रहे हैं तो वहां पर जो है वो अपना फोकस डाइवर्ट करें और इक्विटीज की तरफ आए ताकि वहां पर जो है वो ज्यादा आपको इनकम मिल सके। अरसलान हमारे साथ मौजूद है, उनका फायदा उठाते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि ETF एक्चुअली क्या है और इसे कैसे यूज किया जाता है। ये एक प्रोडक्ट होता है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये जो फंड है जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये एक्सचेंज पे ट्रेड करता है। एक्सचेंज करेंसी जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एक टिकर होती है, एक कंपनी होता है OGDC PPL HPL की तरह, इसका भी एक टिकर होता है, इसका एक सिंबल होता है। ये एक फंड के पीछे आपके 10 से 20 अलग अलग स्टॉक्स होते हैं। ओके। तो जो इनका एवरेज रिटर्न होता है वो इस शेयर की समझ लें ETF की प्राइस होती है या नेट एसेट वैल्यू होती आपने है। बताया था कोई बास्केट होती है ये शेयर्स की। चलिए इसको मजीद डाइवर्सिफाई करने के लिए हम ये रिपोर्ट देखते हैं फिर वापस आते हैं। एक्सचेंज ट्रेड फंड जिसे ETF के नाम से ज्यादा जाना जाता है एक ऐसा फंड है जिस पर ट्रेडिंग एक्सचेंज में स्टॉक की तरह होती है। इसे बड़ी कंपनीज के हिस्से की टोकरी से भी तशबीह दी जाती है। इन फंड की खसूसियत ये है कि इनमें से हर एक का तबादला आम हिस्से के उसूल पर किया जा सकता है, जबकि एक ही वक्त में इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज की बहुत सी सिक्योरिटीज भी शामिल होती है। एक सरमाकार के लिए ये मुस्तकिल गैर फाल आमदनी हासिल करने का बेहतरीन मौका होता है। यहाँ तक कि अगर किसी कंपनी के हिस्से गिरना शुरू भी हो जाए तो मजमूई इंडेक्स में नुमाया कमी नहीं वाकई होती। इसकी एक खसूसियत के बाद सरमायाकार का एतमाद और हौसला हमेशा बुलंद रहता है। सरमायाकार की नज़र में एक्सचेंज ट्रेड फंड एक ऐसी सरमायाकारी है जिसमें आपके मुनाफे और दोबारा फरोख से गैर मामूली मुनाफे के इम्कान रोशन रहते हैं। पाकिस्तान के एक्सचेंज ट्रेड फंड में मजीद सरमायाकारी के रोशन इम्कान मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक बतौर उभरती हुई मईशत ये एक अहम संजमील साबित होगा। वो सरमायाकार भी फंड की जानिब रुजू करने लगे हैं जो कि पहले इससे लाइम थे। पाकिस्तान एक्सचेंज ट्रेड फंड के एहसासों में एक साल में 4 गुना तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सरमायाकार वजीर आजम की इक्तिसादी पॉलिसीज पर एतमाद करते हैं, जबकि उभरती मईशत का दर्जा हासिल होने के बाद 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी भी हासिल हो चुकी है। ETF के इजरा के बाद दीगर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने भी अपनी ETF प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है जिससे मुल्क की कैपिटल मार्केट्स को मजीद वसत मिलने के इम्कान रोशन हुए हैं। जी रिपोर्ट आपने देखी, ETF के बारे में मजीद बात करेंगे। अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान एक्चुअली हम नॉर्मली जब ट्रेडिंग करते हैं तो क्या दिखाई देता है कि डिफरेंट इसके प्राइसेस होते हैं। आपने कहा कि ETF जो है वो एक वन बास्केट होती है डिफरेंट स्क्रिप्ट की, तो वो ज्यादा हम कहेंगे सिक्योर है कि अगर ETF पे कुछ अच्छे स्क्रिप्ट की बास्केट हो और उस पर ट्रेडिंग की जाए या फिर आप स्क्रिप्ट वाइज ही जाएं। देखिए ये तो सबसे पहले इंसान की अपनी प्रेफरेंस है। किन रिटेल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल इन्वेस्टर को शौक होता है खुद अपनी मर्जी से स्टॉक लेने का, ठीक है, अपने स्टोरी लेने का, अपने बिलीव करना कौन सा सेक्टर ज्यादा चल रहा है कौन सा, वो एक इंसान की अपनी एक तबीयत होती है या कहते हैं इन्वेस्टर की पर्सनैलिटी होती है। ETF के बारे में अगर मैं सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर दूं ऑडियंस को, तो एक तो होते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, एसेट मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स, वो आपसे पैसे लेते हैं, आपको फी चार्ज करते हैं 2-3% सालाना और वो आपके बिहाफ पे खुद इन्वेस्ट करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं कोई चीज बेचते हैं, प्रॉफिट और लॉस मतलब डिफरेंट शेयर्स खरीदते हैं वो आपके बिहाफ पे, ठीक है। तो वो एक होता है, इसको कहते हैं एक्टिव फंड मैनेजमेंट कहते हैं। लोग हायर किए जाते हैं पढ़े लिखे जहां से भी होते हैं, वो अपनी एनालिसिस करके वो शेयर खरीदते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव फंड मैनेजमेंट जिसमें वो फीस चार्ज करते हैं। एक होती है पैसिव फंड। पैसिव फंड मतलब मैं बिल्कुल पीछे हटके मतलब ये 10-12 शेयर है यही लेने मैंने, वो होती है ETF के थ्रू। अच्छा, ETF के अंदर कोई मैनेजमेंट फी चार्ज नहीं होती। अगर यही काम एक्टिव फंड मैनेजर्स कर रहे होते वो 2-3% आपको सालाना आपको फी चार्ज करते चाहे नफा हो चाहे नुकसान। एग्जैक्टली, वो अपनी फी चार्ज अपनी फी तो वो चार्ज करेंगे। ETF में वो कोई फीस चार्ज नहीं होती। ETF ज्यादा जो है वो सिक्योर भी है और ज्यादा हमारे लिए पॉसिबिलिटीज भी इसके अंदर दिखाई देती है पॉजिटिविटी। जी ETF जो है डाइवर्सिफाइड होता है, लेकिन ETF में समझे आपने कहा कि मैं 12 स्टॉक्स यही ले रहा हूं तो अगर उनके हालात खराब भी हो गए तब भी आप वो 12 स्टॉक आपके पास पड़े रहेंगे। जो एक्टिव फंड मैनेजर होता है वो जो बुरी कंपनी होती है उसको बेच के कोई दूसरी अच्छी कंपनी ले लेगा। ओके, ठीक है। अच्छा एक और आपको चीज, लेकिन हमारे तो वन टच पे है ना कि हम ETF जब चाहें खरीदें जब चाहें बेचें या इसका कोई टाइम, आप एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ एक ETF आपने लिया ना उसके साथ समझ लें 12 कंपनीज आपने खरीद ली है, तो 12 की 12 जैसे परफॉर्म करेंगे आपको उनका समझ लें वेट, 12 में से अगर एक भी नेगेटिव परफॉर्म कर रही हुई तो वो शेयर मतलब उसका वेट देखा जाएगा क्या है वेट। अच्छा एक और चीज उसका मैं आपको ग्लोबली
बता दूं, ग्लोबली जो है ETF ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं देन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वो इसलिए क्योंकि आपके ETF जो है डिफरेंट सेक्टर के एक्सपोजर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर पाकिस्तान में समझ लें बैंकिंग सेक्टर का ETF आ गया, ओके, तो आपने वो एक ETF खरीदा और आपको सारे बैंक्स के शेयर्स मिल गए, आपने एक ETF का शेयर खरीदा और सारे बैंक्स के शेयर आपको समझ लो उसके साथ मिल गए। अच्छा, उसका एक इम्पोर्टेंट लास्ट वैल्यू ये है कि जो और फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो दिन के एंड में जाके आपको एक वैल्यू असाइन करते हैं। ETF पूरा दिन ट्रेड करते हैं, आप सुबह को भी दोपहर को भी, उसकी अलग अलग वैल्यूएशन होती है, तो वो लाइव ट्रेडिंग। कहाँ ट्रेडिंग होती है इसकी? हमारे प्रॉपर्ली इसी प्लेटफॉर्म पे होती है? जी बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। लोग अपनी एप्लीकेशन से अपने ब्रोकर को फोन करके ये अपना ETF खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं ड्यूरिंग द डे। ओके, चलें जी, इस पर तो मजीद बात करेंगे और मजीद प्रोग्राम्स भी करेंगे, क्योंकि ETF के बारे में मैं भी जानना चाहूंगी एक्चुअली, क्योंकि ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, या एक हम कहेंगे प्रॉपरली एक स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारे स्क्रिप्ट भी मौजूद हैं और इसको वन टच पे बाइंग और सेलिंग की जा सकती है, तो इट मीन्स कि इट्स अ गुड आइडिया, ये भी जो है वो एक अच्छा चांस है। अब तक इनका क्या रिजल्ट आए हैं ये भी देखना चाहूंगी मैं कि ETF के जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें क्या पॉजिटिविटी आई है, क्या ये जो है वो इसके रिस्पॉन्सेज अच्छे आ रहे हैं या अभी जो है वो कोई नुकसान की तरफ जा रहे हैं। अभी नए प्रोडक्ट्स हैं, इनको हमें कंपेयर करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ कि अगर म्यूचुअल फंड ज्यादा परफॉर्म करते हैं अच्छा है या ETF ज्यादा करते हैं। ये प्रोडक्ट्स नए हैं, इनको 2 से 4 साल हिस्ट्री बन जाएगी तो लोगों का फेथ आ जाएगा। मैं आपके प्रोग्राम पे एक बात करता हूँ चलूँ कि दूसरे ममालिक में जैसे US है, चाइना में ETF होते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, कि फॉर इंस्टेंस आपको लगता है exactly, कि सोलर बैटरीज ये फ्यूचर है या इलेक्ट्रिक गाड़ियां ये फ्यूचर है, तो एक ETF होगा जो सिर्फ आपको वो गाड़ियां देगा exactly, जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे आपने बैंकिंग की एग्जांपल एग्जैक्टली, तो लोग कहते हैं कि हमने कुछ और नहीं खरीदा, सिर्फ इधर अपने पैसे डालें, इस बिजनेस में हम बिलीव करते हैं। जैसे IT का हो गया, सिर्फ IT का ETF हो जाएगा। ओके, इट इज इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा अरशान, मैं LSM पे दोबारा आना चाहूंगी। ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है जब ईयर एंड ईयर ग्रोथ की बात करते हैं हम, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो फूड सेक्टर में दिखाई दे रही है, एंड इट इज अबाउट 57.6%। फूड की ज्यादा डिमांड है पाकिस्तान के अंदर या एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इसका इम्पैक्ट है? देखिए, अगर हम LSM को डायसेक्ट करें कि ये ग्रोथ कैसे आई है, तो लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी बिल्कुल चोक थी, ठीक है, चोक मतलब बिल्कुल एक टाइप से ज्यादा काम नहीं हो रहा था, ठीक है, एक तो उसे लो बेस इफेक्ट है, तो वहां से ग्रोथ जब मतलब आप 10 रुपए से 12 रुपए करेंगे तो वो